ओपी गाड़िया घुमा के हो गया सर। हेलो 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 कि राहुल जी और प्रियंका गांधी जी ने जो आज माता खीर भवानी के स्थापन पर जो हाजिरी लगाई, यह आज का सिलसिला नहीं है। जब हमारी महान इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी जी आहन जहानी वो जब कश्मीर आती थी तो पहले माता खीर भवानी के स्थापन पर हाजिरी लगाती थी। इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए राहुल जी और इससे पहले जो राजीव गांधी जी कश्मीर आते थे पहले माता खीर भवानी के दरबार में हाजिरी लगाते थे। अपनी एक आस्था को हमेशा उन्होंने रखा है और आज इससे पहले भी 2021 में जब राहुल जी यहाँ तशरीफ लाए थे तो उन्होंने पहला काम जो किया था माता खीर भवानी के स्थापन में आकर अपनी हाजिरी लगाई थी। और आज आपने देखा कि 4000 किलोमीटर की जो यात्रा, जो पद यात्रा पैदल चलकर पूरे मुल्क में राहुल गांधी ने एक मिसाल कायम की है। और कल जो ही वो इख्तिताम हुई श्रीनगर में, उसके बाद आज उन्होंने पहला काम जो शुरू किया वो माता खीर भवानी के आस्थापन से किया और कड़ाके की ठंड में, बर्फबारी में उन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर अपनी हाजिरी की और उसके साथ प्रियंका जी ने भी अपनी हाजिरी लगाई। आप जानते हैं कि भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, ये जो नारा इन्होंने दिया है और उन्होंने जो अपनी तकरीर कल जम्मू कश्मीर के क्रिकेट स्टेडियम में की है कि ये फ़ोन कॉल एक फौजी के घर में, एक सिविल के घर में, और इसका जो ये हिंसा की बात उन्होंने की है कि मैं इसको समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी दादी को खोया है, मैंने अपने पिताजी को खोया है। और इस बात को उन्होंने कल इसकी तरफ इशारा किया कि मैं जम्मू कश्मीर का जो दर्द है, जो हमें परेशानियां हैं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी स्टेट को डिग्रेड किया गया है, तो उसके सिलसिले में हमारी डिटेल बात हुई हमारे राहुल गांधी जी से। और मुझे पूरी यकीन इसके साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारे ज़ख्मों पर कोई मरहम कर सकता है तो एक ही शख्स है, वो राहुल गांधी है।